रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम डॉक्टर हसन नकवी, होम्योपैथिक फिजिशियन। डियर व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक ब्लाटा ओरियन अस्थमा यानी दमा की बहुत ही अच्छी मेडिसन। आज मैं आपको इसकी जो सिम्टम्स हैं और अलामत हैं वो बताऊंगा और साथ में ये मेडिसन यूज़ करने का तरीकाकार भी आपसे शेयर करूँगा। ब्लाटा ये दमा के लिए बहुत ही मुफीद मेडिसन है और ये मेडिसन लंग्स की टीबी यानी फेफड़ों की टीबी में भी ये बहुत ही बेस्ट वर्क करती है। फरवा बदन अफराद पर ज़्यादा बेहतर काम करती है। दमा के मरीजों में जादू असर का काम करती है। ऐसे मरीजों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनको दमकशी के दौरे मौसम में बरसात में बढ़ जाते हैं यानी विंटर के मौसम में, अमूमन ज़्यादातर सर्दियों में इसके दौरे बढ़ जाते हैं। इसकी ख़ास सिम्टम या ख़ास अलामत यह है कि बलगम की ज़्यादती से दम घुटने का ख़दशा पैदा हो जाता है और सांस की तंगी होती है। हवा की नालियों की सोजिश और टीबी में भी ये बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसन है। पीप जैसी बलगम कसीर मकदार में यानी बहुत ज़्यादा मकदार में खारिज होती है। ये भी इस दवा की, इस मेडिसन की यानी ब्लाटा ओरियन की सिम्टम्स अलामत हैं। अगर ऐसी अलामत आपके किसी पेशेंट में पाई जाती हैं तो ब्लाटा आप यूज़ करवा सकते हैं। ख़ासकर अस्थमा यानी दमा में ये बहुत ही बेस्ट वर्क करने वाली मेडिसन है और इसका जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर मदर टेंचर में है, लेकिन मैं अपने जो मेरी जो क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उसमें मैं जो मेरे पास केसेज आते हैं अस्थमा दमा के उनको मैं टू वक्स में यूज़ करवाता हूँ। तो मुझे इसका बहुत ही अच्छा वर्क यानी इसके जो वर्क है 2x में मेरी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस में वो बहुत ही बेस्ट है, यानी इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है अस्थमा यानी दमा के केसों में। डियर व्यूवर्स, आज मैंने आपको ब्लाटा ओरियन की सिम्टम्स अलामत बयान किए और इसका जो तरीकाकार है वो कुछ इस तरह का है। 10 से 15 ड्राप्स 2x पावर के ये आप यूज़ करवा सकते हैं आधा कप पानी में। कोशिश करेंगे पानी नीम गर्म हो, 10 ड्राप्स या 15 ड्राप्स दिन में 3 बार अस्थमा यानी दमा के केसों में ये आप यूज़ करवा सकते हैं तो इसका आपका बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये मुख्तसर सी वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे फ़ायदा लेंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम किसी और वीडियो में किसी और डिज़ीज़ किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज़।